मायसेल्फ राग्नीश गुप्ता, मैं मुंबई कांदिवली से बिलोंग करती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया था मैंने। सारे लोग यही कहते थे कि जब मैं 12th में थी ना, तो सारे लोग यही कहते थे कि एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकती हैं। क्योंकि ना 9th 10th में थी ना, तो मैं स्कॉलर बैच में आती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सारी चीजें मैं कर सकती हूँ, जो मेरी ड्रीम है ना, वो सारी चीजें मैं कर सकती हूँ। बट आप लोग बहुत अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, आई अप्रिशिएट। मैं आप सभी को दावे के साथ ये कहना चाहती हूँ, आपके जीवन का वह स्वर्णीय पल होगा जो जीवन के हर एक मोड़ पे याद दिलाता रहेगा कि सफलता क्या होती है। मैं आप सभी से सिर्फ और सिर्फ दो बातें करूंगी, हम अपने सपने को पूरा करें कैसे और अपने शरीर को निरोगी रखें कैसे। सिर्फ और सिर्फ दो बातें करूंगी। हम सभी इंसान है, और इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सोच सकता है, समझ सकता है, कर सकता है कि हम अपने शरीर को निरोगी रखें कैसे और अपने सपने को पूरा करें कैसे। यस, तो आप सभी को क्या लगता है, भगवान स्वयं आएंगे और कहेंगे ले बेटा ये मौका है, इसे पकड़ कर तू अपने सफलताओं को पा लेगा? नहीं, किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से मिलेगा जिसके साथ आप काम करके अपने सफलताओं को पा लेंगे। यस, तो दोस्तों यहाँ पर आप आ ही गए हैं, तो पूरे ओपन माइंड से, पूरे कूल माइंड से यहाँ पर रहिएगा। दोस्तों हमें और आपको अवसर क्यों चाहिए होता है, ये हमारी जरूरत क्यों बन चुकी है? हम लोग किसी भी रास्ते पे चल जाते हैं, हमें और आपको एक अपॉर्चुनिटी की तलाश होती है। दोस्तों जैसे आप लोग बैठे हुए है ना, वैसे सेम नैनीताल का टूर लगा था। टूर में मेरी मम्मी पापा आए थे, और मेरी मम्मी पापा मतलब आकर गए, उसके बाद ही मैंने इस बिजनेस को एक्सेप्ट किया है। उसके पहले मेरे पापा बोल रहे थे सीएनएफ है, मैं बस बैठती थी, बैठने क्या मतलब, बैठ के जो सारे प्रोडक्ट रहते थे वो देती थी, बस वही सारी चीजें करती थी। और टूर के जाने के बाद पापा ने कहा कि रखनी आप इस बिजनेस को कर लेंगी, आप इस बिजनेस को कीजिए। और धीरे धीरे से ही मैं अमरोल लीडर पे खड़ी हूँ। दोस्तों मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगी, कर्तव्य पथ, हमारा एक कर्तव्य है। आज सर ने बताया ना, जब ही मुंबई में सर आए थे तो सर की एक एक वीडियो मैंने ली थी, और एक एक वीडियो मैं रोज रात को एक वीडियो या फिर ऑडियो मैं सुनती थी ना, तो मेरी मम्मी को भी सुनाती थी। दोस्तों सच बता दूं, कोई भी इंसान अगर 21 डेज तक ऑडियो वीडियो सुन लिया ना, उनकी माइंड की जो मेंटेलिटी है ना वो बदल जाएगी। मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी, बहुत टाइमिंग इधर से उधर हो जाता था ना, तो बहुत डांटती थी मेरी मम्मी। फिर मैंने वही किया, वीडियो या फिर ऑडियो सर का और दिग्विजय सर का वो सुनाना स्टार्ट की। रात के टाइमिंग सब लोग इंस्टा स्क्रॉल करते हैं ना, मैं वही ऑडियो और वीडियो सर की और दिग्विजय सर की वही सुनाना स्टार्ट की। मेरी मम्मी आज मुझे कुछ भी नहीं बोलती है। आगरा टूर आना था, मेरी मम्मी को बोली मम्मी आगरा टूर जाना है, ठीक है जाना। मैंने वो विश्वास दिलाया अपनी मम्मी पापा को। दोस्तों वही विश्वास आपको आई वाटिका पर करना पड़ेगा, वही विश्वास अपने ऊपर करना पड़ेगा। हम लोग सारे लोग के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, बट अपने ऊपर नहीं विश्वास कर सकते, अपने ऊपर नहीं। कभी कुछ हो गया या ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, बट लिटरली अगर ये सारे सिस्टम को आप देख लिया, आपने समझ लिया, तो वो सारी चीजें आपको माइंड में मतलब बैठ जाएगी, वो आपको मतलब आपको पीछे रोक ही नहीं सकती। लेते सारी सच में बता दो दोस्तों, जो भी वो चार सारी चीजें होंगी ना, अपने बुक पे नोट आउट कीजिएगा, और ऑडियो या फिर वीडियो आप निकाल सकते हैं तो वो निकाल लीजिएगा, बट आप लोग लिखिएगा जरूर। मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगी, अपने ऊपर विश्वास रखिए। मैंने आपको बताया ना कि हमें वो नहीं चाहिए जो अपने हैं, हमें तो वो चाहिए जिनके सपने हैं।
रहेगा वो मैं अपने लिए सोने का चैन बनवाऊंगी। मैंने सोने का चैन बनवाया और उसके पहले मैंने मेरी मम्मी को रिंग गिफ्ट किया था सोने का। मेरे बर्थडे के दिन मैंने सोने का चैन बनवाया था। और जो भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ अभी वो पूरी मतलब अर्वाटिका से जो अर्न करती हूँ वो सारी चीजें मैं मतलब वही पढ़ाई कर रही हूँ। मैं संकल्प होगा हमारा, उस संकल्प में हम सारे लोग, मैं खुद बाइक लूंगी अर्वाटिका से जो अर्न करूंगी उससे ही लूंगी। दोस्तों सपने सच में पूरे होते हैं, आप लोग अपने आप पर विश्वास रखिएगा। इसी के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद जय।